इसमें सर क्या प्रथम दृष्टि से जांच किया तो मिला आपको? देखिए कल की घटना है जी, कि जो मध्य विद्यालय सनौरा है वहाँ से पुलिस को सूचना मिली कि एक टीचर है उनके साथ, उनके बारे में शिकायत मिलने पर ग्रामीणों द्वारा उनके साथ मारपीट किया जा रहा है और उनके जान को खतरा है। इस संबंध में डायल 112 और पुलिस पदाधिकारी वहाँ पहुँचे और जो टीचर थे उनको सुरक्षा तत्काल थाना में लाया गया, उसके बाद आगे की जाँच की गई। कल जो कुछ सामने आया था उसमें ये आरोप लगाया जा रहा था टीचर के ऊपर कि उनके द्वारा बच्चियों के साथ अभद्रता की गई है और उनके साथ जो गलत व्यवहार किया गया। उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक रैंक की जो महिला पुलिस पदाधिकारी हैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डिग्री 1, उनको इस कांड की जांच के लिए भेजा गया। उनके द्वारा जो बच्चियां हैं उनसे और उनके परिजनों से गहनतापूर्वक बातचीत की गई है। जो दो दिनों में बातें कल में और आज में निकल के आए उसमें बहुत सारे विरोधाभास है और उसमें कई सारी चीज़ों की बात सामने आ रही है। आंतरिक राजनीति की बात आ रही है, आपसी द्वेष की भावना की बात आ रही है, बच्चियों को डराने धमकाने की बात आ रही है और कई तरह की शिकायतें आ रही है और कुछ वीडियो भी प्राप्त हुए उसमें भी ये स्पष्ट हो रहा है कि गांव के कुछ लोगों द्वारा स्कूल में जाकर एक अलग तरह का माहौल बनाया गया है। इस घटना में पुलिस को इस संबंध में कोई भी शिकायत पहले किसी के द्वारा नहीं दी गई, चाहे ग्रामीण हो या कोई भी, ताकि पुलिस इसमें कार्रवाई करती। उनके द्वारा स्वयं कानून को हाथ में लेकर स्कूल में जाकर इस तरह की घटना की गई है जो कि बिल्कुल भी विधिसम्मत नहीं है। इसमें भी आगे कार्रवाई की जा रही है। आगे इसमें माननीय न्यायालय और जो पॉक्सो एक्ट की का SOP है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। महिला अपर पुलिस अधीक्षक रहें कि महिला पुलिस पदाधिकारी इसका अनुसंधान कर रही है, मेरे द्वारा भी इसका अनुसंधान किया जा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से सारे केस के सारे जो इन्वेस्टिगेशन उसको देख रहा हूँ। इसमें जो आगे जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो किया जा रहा है। आप सब लोगों से ये अपील है कि पॉक्सो जो मामला होता है बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मामला होता है। सभी मीडिया कर्मियों से और ग्रामीणों से भी इस मामले में स्पष्ट अनुरोध और निर्देश भी है, इसमें किसी भी तरह का दखलंदाजी या किसी भी तरह का कोई भी काम करना आपको कानून जिम्मेदार बनाता है और उसमें आप गंभीर कार्रवाई के जिम्मेदार होंगे। इसलिए पुलिस अपना काम कर रही है, आप पुलिस का सहयोग करें। आपकी जो भी बात है वो मेरे तक या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डिग्री तक रखें, हम आपकी बात को सुन के उस पर जो भी कार्रवाई करनी हो, जो भी अनुसंधान करना हो करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन कोई भी अपने हाथ में कानून लेगा और इस तरह का उदंडता करेगा उसके विरुद्ध हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे, ये बात हम स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं। बाकी इसमें अनुमंडल पुलिस अधिकारी द्वारा अगतर कार्रवाई की जा रही है, हम लोग इसमें जो SOP है उसको फॉलो कर रहे हैं।